हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो ये एमसीक्यू सीरीज का डे 11 है। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंप्लीमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई UGC, CSIR, यूनेस्को या इफ्ला। तो इंप्लीमेंट प्रोग्राम जो है हमारा UGC के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसमें से इंप्लीमेंट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में और ये एक UGC का मेजर प्रोग्राम है जिसको 1991 में आया था ये। और ये एक प्रोजेक्ट किसके अंदर चल रहा था, तो IUCAA का फुल फॉर्म होता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी यूनिट्स फंक्शन इज टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, टू परफॉर्म मैथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस, टू रिसीव डाटा, टू होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस रिजल्ट। मेमोरी यूनिट का हमारा फंक्शन क्या है, तो मेमोरी यूनिट का फंक्शन है टू होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस रिजल्ट। डाटा को होल्ड करना इंस्ट्रक्शन को और उसके बाद रिजल्ट को प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, ऑल ऑफ दिस। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब होता है लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करना, और कौन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए, तो कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर हार्डवेयर भी है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी है और फाइनेंस भी है, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द इंडियन स्टेट इनेक्टेड विद द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन 1948, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो किस स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन 1948 में लगा था, तो तमिलनाडु, मद्रास में। ये सारे स्टेट्स का हैं, किस स्टेट में कौन से ईयर में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लगा था और किस पे टैक्स देना पड़ता है लोगों को। क्वेश्चन एक बार आ रखा था कि हरियाणा में जो है, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में किस पे टैक्स लगता है, तो हाउस टैक्स आपको पता होना चाहिए। तो मद्रास में 1948 में आया, और किस पे टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे। आंध्र प्रदेश में 1960 पे हाउस टैक्स पे, कर्नाटका 1965, लैंड रेवेन्यू, महाराष्ट्र 1967 नहीं लगता है, वेस्ट बंगाल 1979 नहीं लगता है, मणिपुर 1988 नहीं लगता है, हरियाणा 1989 हाउस टैक्स पे, केरला 1989 हाउस टैक्स, मिजोरम 1993 नहीं लगता है, गोवा 1993, उड़ीसा 2000, गुजरात 2001, उत्तरांचल 2005, राजस्थान 2006, यूपी 2006, फिर लक्षद्वीप 2007, फिर बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2009, अरुणाचल प्रदेश 2009, यहाँ पे उत्तराखंड होगा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हु सेड दैट नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स, वी नो ए सब्जेक्ट आवर सेल्विस और वी नो वेयर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ऐसा रंगनाथन, WC बर्विक से, HG ब्ली से, सैमुअल जॉनसन। तो नॉलेज दो टाइप प्रकार के होते हैं, ये किसने बताया था, तो सैमुअल जॉनसन। ऐसा रंगनाथन से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं UGC के, मैंने एक डिटेल वीडियो में पूरा बता रखा है ऐसा रंगनाथन से रिलेटेड, तो आप लोग उस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ऐसा रंगनाथन का टॉपिक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा रंगनाथन से क्वेश्चंस आते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ थेसॉरस इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज इंजीनियरिंग। तो थेसॉरस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो थेसॉरस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या बताना, रिलेशन बताना। थेसॉरस का मतलब होता है वोकैबुलरी कंट्रोल, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप्स बताते हैं वो किसके द्वारा बताया जाता है, तो थेसॉरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, द फर्स्ट ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस इन 1998 हेल्ड इन मद्रास, लाहौर, कलकत्ता या बड़ौदा। सबसे पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियन कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो लाहौर में 1998 में। क्वेश्चन नंबर एट है, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी डील्स विद मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट। हर्ज़बर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किससे डील करती है, तो मोटिवेशन से। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, क्रैनफील्ड स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्रैनफील्ड स्टडी जो है किसका एग्जाम्पल है, तो केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, अरेंज द प्रॉब्लम मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स क्रॉनिकली, ह्यूमन रिलेशन, प्री साइंटिफिक पीरियड, साइंटिफिक पीरियड, सिंथेसिस पीरियड। तो मैनेजमेंट को जो क्रॉनिकली किसने
कैसे अरेंज किया जाता है? सबसे पहले हमारा है प्री साइंटिफिक पीरियड, फिर साइंटिफिक पीरियड, फिर ह्यूमन रिलेशन, फिर सिंथेसिस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11th है, द जीएमडी इन ए कैटलॉग एंट्री अकॉर्डिंग टू एएसआर 2 रिवाइज एडिशन इज गिवन बाय, आफ्टर द टाइटल प्रॉपर, बिफोर द टाइटल, आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैटलॉग एंट्री में जो हम जीएमडी देते हैं वो अकॉर्डिंग टू एएसआर 2 रिवाइज एडिशन वो किसके बाद आता है? तो वो जो हमारा आफ्टर द टाइटल प्रॉपर के बाद है, टाइटल के बाद आता है। वो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैटलॉग एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या क्या है जो हमको डालना चाहिए? तो सबसे पहला हेडिंग, एरियाज एंड डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पंक्चुएशन मार्क और ट्रेसिंग। उसके बाद एरियाज और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है? तो टाइटल आता है, एडिशन आता है, मटेरियल आता है, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज और नोट्स। उसके बाद टाइटल में एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में 5 एलिमेंट्स है। टाइटल आता है, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन जीएमडी, पैलर टाइटल, अदर टाइटल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए जीएमडी किसके बाद आता है, तो टाइटल प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 12th है, द टर्म प्रिसीजन रेशियो टू व्हाट? द टर्म प्रिसीजन टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय एसआर रंगनाथन, साइरिल क्लेवरडॉन, एफडब्ल्यू टेलर या एचपी लुहान। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रैवल में जो प्रिसीजन रेशियो किसके द्वारा बताया गया था? तो साइरिल सेलिट्रॉन के द्वारा। OCLC प्रोजेक्ट, मार्क प्रोजेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल, कोऑपरेटिव एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल। OCLC प्रोजेक्ट जो जिसमें मार्क प्रोजेक्ट किसका एग्जाम्पल है? तो कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 13th है, वाट इज द थर्ड इन द ट्रैनिटी ऑफ ए लाइब्रेरी अलॉन्ग विथ यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरियन, बिल्डिंग स्टाफ या मटेरियल। तो लाइब्रेरी में जो ट्रिनिटी बोला जाता है किसको बोला जाता है? थर्ड वा कौन है? तो स्टाफ। ऐसे लाइब्रेरी के 3 कंपोनेंट होते हैं, रीडर, बुक और स्टाफ। तो थर्ड कौन है? स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 15th है, हु ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफ्रेंशिएट करने किसने बताया था? तो ब्रुक्स ने। क्वेश्चन नंबर 16th है, द टैग 250 इन मार्क 21 इंडिकेट्स एडिशन स्टेटमेंट, सीरीज स्टेटमेंट, फिजिकल डिस्क्रिप्शन या जनरल नोट। टैग 250 जो मार्क 21 में आता है वो क्या बताता है? तो एडिशन स्टेटमेंट। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, मैंने मार्क का टैग का पूरा एक चार्ट बना रखा है, ये 4 स्लाइड्स आपको कंफर्म याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है 001 से कंट्रोल नंबर, 015 से नेशनल बिब्लियोग्राफी नंबर, 020 से ISBN, 022 से ISSN, 028 से पब्लिशर नेम, 030 से कॉर्डन, 040 से कैटलॉगिंग सोर्स, 080 से UDC, 082 से DDC, 084 से अदर क्लासिफिकेशन नंबर, 100 से मेन एंट्री में पर्सनल नेम, 110 से मेन एंट्री में कॉर्पोरेट नेम, 111 से मेन एंट्री में मीटिंग नेम, 130 से मेन एंट्री में यूनिफॉर्म टाइटल, 240 से यूनिफॉर्म टाइटल, 245 से टाइटल स्टेटमेंट, 250 से एडिशन स्टेटमेंट, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 440 से सीरीज स्टेटमेंट, 500 से जनरल नोट, 600 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री में पर्सनल नेम, 610 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री में कॉर्पोरेट नेम, 611 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री में मीटिंग नेम, 630 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल, 650 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री टॉपिकल टर्म, 651 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री में जियोग्राफिकल नेम, 700 से एडेड एंट्री में पर्सनल नेम, 710 से एडेड एंट्री में कॉर्पोरेट नेम, 711 से एडेड एंट्री में मीटिंग नेम, 730 से एडेड एंट्री में यूनिफॉर्म टाइटल, 800 से सीरीज एडेड एंट्री में पर्सनल नेम, 810 से सीरीज एडेड एंट्री में कॉर्पोरेट नेम, 811 से सीरीज एडेड एंट्री में मीटिंग नेम, 830 से सीरीज एडेड एंट्री में यूनिफॉर्म टाइटल। देखिए टैग तो पूछा जाता है, जैसे ये लगातार जो है सीरीज एंट्री में पर्सनल नेम, कॉर्पोरेट नेम, मीटिंग नेम, यूनिफॉर्म टाइटल, इनको मैच द फ्लॉबी में भी पूछा जाता है। तो ये जो ऊपर के जो 5 स्लाइड्स हैं ये आपको कंफर्म याद होने चाहिए। सबसे पहला दो यहाँ से पहला स्लाइड ये तो पूरा याद होना चाहिए, ये भी, ये सारे स्लाइड्स, ये जो सब्जेक्ट एडेड एंट्री ऐसे दे रखा है ये मैच द फ्लॉबिंग में ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से। एडेड एंट्री ये तो पूछा जा चुका है UGC में कि एडेड एंट्री का पर्सनल नेम किस में, मैच द फ्लॉबिंग में चारों आ जाएंगे, आपको मैच करना होगा, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यूडीसी द डबल कोलन साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट स्पेस फॉर्म ऑर्डर फिक्सिंग एंड टाइम। यूडीसी में डबल कोलन साइन किसके लिए यूज होता है, तो ऑर्डर फिक्सिंग। इसका एक्सप्लेन देखिए, प्लस से एडिशन आता है, ऑब्लिक से एक्सटेंशन, कोलोन, फिर डबल कोलोन से ऑर्डर फिक्सिंग, फिर सब ग्रुपिंग, फिर डायरेक्ट अल्फाबेटिकल सिक्वेंस। तो आपसे सब अभी यहाँ से डबल कोलोन पूछा था किसके लिए, तो ऑर्डर फिक्सिंग में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कंजिस्ट ऑफ 30 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 28 वॉल्यूम, 25 वॉल्यूम। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है 30 वॉल्यूम्स में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, हु डेवलप्ड बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, एच ई ब्लिस, एस आर ब्रेड, एस सी ब्रेडफोर्ड, जे डी ब्राउन या एस आर रंगनाथ। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एच ई ब्लिस के द्वारा दिया गया है। देखिए डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल डीवी 1876, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी ए कटर 1879-1891 भी कहीं के रहता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के 1902-1904 कहीं कहीं पे ऐसा रहता है, आपको दोनों पता होना चाहिए। यूडीसी एफआईडी के द्वारा दिया गया है 1905 में, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जे डी ब्राउन 1906 में। तो अब हम लोग सारे एमसीक्यू को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला क्वेश्चन था, इंप्लीमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा बताया गया है, तो यूजीसी। ये इंप्लीमेंट प्रोग्राम का फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर, किसके अंडर प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा बताया गया, मेमोरी यूनिट का फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, 1948 में किस इंडियन स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लगा था, ये सारे उसके चार्ट। किसने बताया था नॉलेज दो प्रकार का होता है, तो सैमुअल जॉनसन। थेसॉरस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो रिलेशनशिप बताना। फिर इंडियन कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरियंस का सबसे पहले 1998 में कहाँ हेल्ड हुआ था, तो लाहौर। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी किससे डील करता है, तो मोटिवेशन। क्रैनफील्ड स्टडी किसका एग्जांपल है, तो केस स्टडी। ये हमने मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को क्रॉनिकली अरेंज किया। जीएमडी जो है ASER2 में कब आता है, तो आफ्टर द टाइटल प्रॉपर, ये हमने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा। प्रिसीजन रेशियो किसने बताया था इंफॉर्मेशन रिट्रेवल में, तो सैरिल क्लेवरडॉन। फिर OCLC प्रोजेक्ट, मार्क प्रोजेक्ट किसका एग्जांपल है, तो कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। लाइब्रेरी में जो तीन कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो रीडर, बुक, स्टाफ। फिर किसने इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था, तो ग्रुप्स। टैग 250 क्या बताता है, तो एडिशन स्टेटमेंट, ये पूरा उसका चार्ट, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डबल साइन कोलोन में क्या बताया था, तो ऑर्डर फिक्सिंग। फिर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कितने वॉल्यूम है, 30। और BC बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो एच ई ब्लिस, ये उसका चार्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू।